हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोर थ्रोट। सोर थ्रोट के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से ये होता है, ठीक है, और क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा सोर थ्रोट जिन बंदों को होता है, तो कैसे डायग्नोज करें ये डिस्कस करेंगे, और इसका घरेलू उपाय डिस्कस करेंगे, और ट्रीटमेंट क्या क्या डॉक्टर्स इसका करते हैं वो डिस्कस करेंगे, और आप मतलब क्या चीज़ें करें और क्या चीज़ें नहीं ना करें सोर थ्रोट अगर आपको हो गया, तो इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो है, ध्यान से देखें। जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को कर दें फटाफट से सब्सक्राइब, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोज़ की वो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोर थ्रोट। सोर थ्रोट एक तरह का इन्फेक्शन है, ठीक है, जिसमें कि एक तरह से फीवर होता है, गले में दर्द, गले में दर्द होता है, खांसी होती है, फीवर होता है, और छींकें आती हैं, स्नीजिंग होती है, ठीक है, और कफ होती है, ठीक है, बलगम भी आती है, कई तरह की चीज़ें होती हैं, सर में दर्द होता है, ठीक है, सोर थ्रोट में। तो ये दो तरह से होता है, एक तो होता है वायरल इन्फेक्शन और दूसरा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जो वायरल इन्फेक्शन है, वायरल से ही आप समझ सकते हो किसी वायरस के कारण, ठीक है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू वायरस हो गया, कोरोना वायरस जो अभी काफ़ी रिसेंटली काफ़ी चीज़ें इसमें देखने को मिली हमें, ठीक है, कॉमन कोल्ड जो भी है, फ्लू हो गया और कोरोना वायरस हो गया, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, स्नीजिंग देखने को मिलेगी, छींके, बुखार आएगा, और कफ बहुत ज़्यादा होगा। कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स भी आपको इसमें दिखेंगे, ठीक है, नाक से पानी चलता रहेगा, आँख से पानी चलता रहेगा, किसमें, वायरल इन्फेक्शन में। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स, एक तरह का बैक्टीरिया है, उसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू, मतलब सोर थ्रोट दो तरह से होता है, मैं बता रहा हूँ, एक तो वायरल में मैंने बता दिया आपको किस कारण होता है, तीन है, और उसके क्या सिम्टम्स हैं। बैक्टीरियल में मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स की वजह से होता है, बट अगर ये बैक्टीरियल है, कैसे डिस्टिंग्विश करें आपको कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सोर थ्रोट हुआ है, या फिर ये वायरल इन्फेक्शन है, तो आपको जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में है वो आपको ना तो इसमें खांसी जुकाम नहीं होता, ठीक है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बट वही वायरल इन्फेक्शन में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, जुकाम, खांसी, फीवर, हेडेक, सब कुछ देखने को मिलेगा, तो ये डिस्टिंग्विश करें, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स लेनी है या फिर एंटीवायरल ड्रग्स लेनी है। एक तरह का क्राइटेरिया मैंने थोड़ा सा इसका बनाया है कि आप डिस्टिंग्विश कैसे करें बैक्टीरियल है ये, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण सोर थ्रोट हुआ है। सबसे पहले तो आपको फीवर होगा, आपको सफ़ेद पैचेस देखने को मिलेंगे, और खांसी जो है उसका ना होना, एक तरह से अगर खांसी नहीं हो रही है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और हाँ, ये जो मैंने आपको बताई हैं चार चीज़ें, इनमें से अगर तीन से ज़्यादा लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आपका पक्का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करें। जिन लोगों को नाक में दिक्कत, नाक में एलर्जी के कारण भी सोर थ्रोट होता है, जिन लोगों को एलर्जी है, ठीक है, उनका क्या होगा कि नाक में प्रॉब्लम हो गया, छींके आएंगी, तो वही है कि जब छींकते हैं तो गले में दिक्कत होती है, ठीक है, एक तरह से बलगम आएगा, जिनको बलगम की दिक्कत है, मतलब बलगम कॉन्स्टेंटली आपका गले में गिर रहा है, उससे भी इरिटेशन होगी और सोर थ्रोट होगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एसिडिटी जिनके पेट में एसिड बनता है काफ़ी लंबे टाइम से, तो वो क्या होगा, आपका जो एसिड है वो गले में आएगा, ठीक है, बैक, तो उससे भी इरिटेशन होगी और आपको खांसी आएगी, तो एक तरह से एसिडिटी की वजह से भी एक तरह से सोर थ्रोट। बाकी स्मोकिंग जो लोग करते हैं, पोल्यूशन वाले एरियाज में रहते हैं, उनको भी सोर थ्रोट की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और सिंगर्स होते हैं जो, और टीचर्स होते हैं जिनका काम ज़्यादा बोलने का होता है, तो उनका भी कई बार गले में इरिटेशन होती है और सोर थ्रोट की प्रॉब्लम उनको भी आती है। जो टीचर्स हैं काफ़ी लंबे लंबे लेक्चर्स लेते हैं, और सिंगर्स हैं जो शोज़ करते हैं काफ़ी बड़े बड़े, तो उनमें भी आपने देखा होगा कि वो कुछ ना कुछ मुलेठी या फिर चीज़ खाते हैं जिससे कि सोर थ्रोट ना हो, ताकि स्मूथ रहे जो गला है आपका, जो थ्रोट है वो स्मूथ रहे, तो वो खाते हैं, आपने जागरण में भी देखा होगा रात को, वो कुछ ना कुछ खाते हैं, मुलेठी खाते हैं या फिर कुछ भी मिश्री, या उससे क्या होता है एक तरह से थ्रोट जो है वो स्मूथ रहता है। तो आप बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। देखो, ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो सेफेस्ट ड्रग है पीसीएम, हर किसी के घर में होती है पीसीएम और इबुप्रोफेन, ये सेफेस्ट ड्रग है, ये आप ले सकते हैं, ठीक है,
सेकंड चीज़ आपके एलर्जेंजेस जो होती हैं उनसे भी काफ़ी आराम आएगा आपको, वो भी ले सकते हैं। हनी का पेस्ट जो है जिंजर और हनी का एक निकाल लेना, ठीक है। अदरक और शहद का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको भी आप एक तरह से, और अदरक और हनी का पेस्ट बना के आप उसको एक तरह से गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल लें और उसका भी एक तरह से काढ़ा बना के पिए, उससे भी आपको काफ़ी सॉर थ्रोट में आराम। 24 से 48 घंटे आपको लगेंगे जो भी आपका जो ये ट्रीटमेंट है उसको वो पूरा होने में, और मतलब पूरा नहीं मतलब आराम आने में। ये नहीं है कि आपको अभी लिया और आपने एक दो घंटे में कोई और मेडिसिन खाई कि मेरे को आराम नहीं आ रहा, नहीं, आपको 24 आवर्स सूखना है और 24 से 48 घंटे लगते हैं इसको आराम आने में जो सॉर थ्रोट में। आपने ध्यान रखिए एंटीबायोटिक्स आप अगर ले रहे हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही लें, ठीक है। एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी वायरल इन्फेक्शन में। उसमें क्या होगा अगर आप अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से, आपको मैंने बताया कि वायरल और बैक्टीरियल में, मैंने इसीलिए वो पहले बताया ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें कि मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ही एंटीबायोटिक स्टार्ट करें, ठीक है। वायरल में अगर हो रखा है और आपको पता नहीं लगा और वायरल में आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं तो उसमें क्या है एक टाइम के बाद रेजिस्टेंट हो जाती है बॉडी, तो फिर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी आराम नहीं आता अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, ऐसा रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आपको लोग पूछेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि कैसे ये बैक्टीरियल है या वायरल है और हम कब जाएं डॉक्टर के पास। देखो अगर आपको 4 से 5 दिन से ऊपर दिक्कत हो रही है, मतलब होते हुए खांसी नहीं जा रही और सर में दर्द है, आपके पूरी बॉडी पे रैशेस बन गए हैं, ठीक है, पसीना आ रहा है, तो आप डॉक्टर के पास पहुँचें और इसका जो है वो ट्रीटमेंट सूटेबल ट्रीटमेंट है वो करें। होम रेमेडी थोड़ी बहुत यूज़ करें, बट अगर नहीं आराम आ रहा तो आप क्या चीज़ें करें, आप मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस लें, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें करें जिससे कि आपको सोर थ्रोट में आराम आएगा। घरेलू चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, ह्यूमिडिफायर लगाएं, क्योंकि अगर जैसे घर में एसी या कुछ भी होता है तो उसमें क्या होता है जैसी हवा लगेगी गले में, ठंडी हवा लगेगी या कूलर से हवा लगेगी या फैन की, तो उसमें क्या होगा इरिटेशन होगी और वो एग्रेसिवली आपको खांसी आएगी और पेन स्टार्ट हो जाएगा आपका जो सोर थ्रोट में। ह्यूमिडिफायर आप लगा सकते हैं घर में और हर एक घंटे में आप गर्म पानी पिए, ठीक है, हर एक घंटे में पानी पिए और पानी का जो इनपुट है वो आप ज़्यादा बढ़ा दें। अगर आप 2-3 लीटर पानी पी रहे हैं तो 4 लीटर पानी कर दें और हर एक घंटे में आपको गर्म गिलास का पानी, आपको गर्म पानी गिलास से पी। आप शहद का यूज़ कर सकते हो, शहद आप खा सकते हो, उससे आराम आएगा। और एक चीज़ और आप क्या कर सकते हो, काली मिर्च और थोड़ी सी अदरक और पाउडर उसको मिक्स करके उसका एक तरह से काढ़ा बना लें, ठीक है, उसको पिए और उसका उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा और आपका जो सोर थ्रोट में इन्फेक्शन में है आपको काफ़ी आराम मिलेगा। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, आप तुलसी के पत्तों को काफ़ी आराम मिलेगा। अदरक को कूट के उसका एक काढ़ा बना सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ये घरेलू नुस्खे हैं, ठीक है, ये आपको YouTube पे भी मिलेंगे कहीं, बट मैंने एक तरह से ये मतलब यूज़ की हुई चीज़ें हैं तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में ही ले लूँ। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और काफ़ी आराम आता है इसमें, मैंने खुद यूज़ की है, ठीक है। क्या प्रिकॉशंस रखें कि सबसे पहले तो देखो हाथ धोएं, ठीक है, हाथ आपको ये है कि खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, मुँह पर टच करने से पहले हाथ धोने हैं, और कुछ भी अगर आप जैसे बॉडी पार्ट टच कर रहे हो तो आप उससे पहले हाथ धोएं और मिनिमम 30 सेकंड तक आपको हाथ धोने हैं प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक के साथ। पूरी जो टेक्निक है वो हैंड वॉशिंग टेक्निक है, उसकी अकॉर्डिंगली आप हाथों को धोएं, ठीक है। पूरी टेक्निक होती है हैंड वॉशिंग की, मैं एक फ़ोटो लगा दूंगा तो आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, आपको टेक्निक मिलेगी। 30 सेकंड आपको पूरे हाथ धोने हैं और उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा, मतलब इन्फेक्शन नहीं होगा, आराम इन द सेंस मतलब आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। और मतलब अगर आपको सोर थ्रोट हुआ, अगर आप ये प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं तो आपको जल्दी आराम आएगा, ठीक है। खाना खाने से पहले आपको हैंड वॉश करना है, ठीक है। स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो उसको क्विट कर दें, ठीक है। मास्क जरूर पहने अगर आपको सोर थ्रोट। विटामिन ए डी ई के ये जितनी भी विटामिन है आपको कंज्यूम करनी है, आपको लेनी है, तो उसमें वो कैसे गाजर खाएँ, हरी सब्जियाँ खाएँ, सीरियल्स खाएँ, सीड्स खाएँ, और जितनी भी दालें हैं और जितना भी मतलब आपको प्रोटीन कंटेंट अपना बॉडी का बढ़ाना है, ठीक है। प्रोटीन आपको ऐसा फूड खाना है जिससे प्रोटीन हमारा जो बॉडी में प्रोटीन है वो बढ़े, ठीक है, उससे काफ़ी आराम आएगा। नरम खाना खाएं, ठीक है, नरम खाना खाएं तो उससे काफ़ी आराम मिलेगा। सूप्स पिए, अब आप
कहेंगे कि अब डॉक्टर साहब मेरे को सोर थ्रोट है तो क्या खाएं, क्या खाएं और क्या ना खाएं, ठीक है। आपको खाने में तो देखो थोड़ी सी गुनगुनी मतलब सॉफ्ट खिचड़ी खा सकते हो, सूप्स पी सकते हो, ठीक है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो नॉन वेजिटेरियन सूप पिए, जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन सूप पिए, ठीक है, उससे काफ़ी आराम मिलेगा। सॉफ्ट डाइट लें जो भी ले रहे हो, ठीक है। और क्या नहीं खाना है आपको, अल्कोहल नहीं लेनी, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, ठंडी चीज़ें नहीं खानी, गले वाली चीज़ें नहीं खानी, ठीक है, ये चीज़ें अवॉइड करनी है आप। अब लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा एक छोटा सा चीज़ है, पोविडिन आयोडीन का जो है उसका आप एक ढक्कन ले सकते हो, एक ढक्कन एक गिलास पानी में आपको मिक्स करना है पोविडिन आयोडीन का, और उसको क्या करना है आपको 30 सेकंड तक उसके एक तरह से गार्गल करने हैं, गरारे करने हैं ऊपर मुंह करके, उससे काफ़ी आराम मिलेगा और इन्फेक्शन आपका कम होगा, ड्रॉप होगा। और हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो भी जिस दौरान आप ये जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है इस दौरान कोई भी लापरवाही ना करें, ठंडी चीज़ें ना खाएं। ये नहीं है कि आप ट्रीटमेंट भी चल रहा है आपका और आप जितना भी मसाले वाली चीज़ें खा रहे हैं और फास्ट फूड खा रहे हैं, ठंडी चीज़ें दही वगैरह खा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें नहीं करनी, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट को होने दें। तो सोर थ्रोट के बारे में ये चीज़ थी। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दें फटाफट से सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके गले में दिक्कत है या फिर मेडिकल नॉलेज जिनको थोड़ी बहुत चाहिए तो उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट जरूर करें वीडियो पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।